दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव स्टेल्थ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा। एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले जिक्र हमारे देश में तब हुआ था जब राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसा कहा गया था कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में एक्टिव स्टेल्थ का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी कि हमारे रफाल एयरक्राफ्ट में ये इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया भी किया है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आगे आने वाले हमारे देश के इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि MCA और तेजस मार्क 2 इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं जैसे कि F-22 रैप्टर और सुखोई 57, ऐसे एयरक्राफ्ट में पैसिव स्टेल्थ का इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव स्टेल्थ का मतलब ये है कि उस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए उसके डिज़ाइन को ही ऐसे बनाया जाता है कि उस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो और इसके साथ ही उसमें ऐसे रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो रडार वेव्स को सोख ले और उसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाए। लेकिन जो एक्टिव स्टेल्थ होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उस एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसी टेक्निक्स सिर्फ कुछ ही समय के लिए काम करते हैं और वो लंबे समय तक एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन कम नहीं कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स के ऊपर रिसर्च 1960 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कंक्रीट एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि इन टेक्निक्स को प्रैक्टिकली यूज़ किया गया है और किसी वॉर जोन में इस्तेमाल किया गया है। अभी राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट में ही ऐसी न्यूज़ थी कि इस एयरक्राफ्ट के स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में एक्टिव रडार कैंसलेशन का इस्तेमाल किया गया है जिससे वो अपने रडार क्रॉस सेक्शन को कुछ समय के लिए बहुत कम कर सकता है और रडार से डिसअपीयर हो सकता है। दोस्तों एक्टिव स्टेल्थ को बहुत सारे तरीकों से अचीव किया जा सकता है। ऐसी दो टेक्निक्स हैं जिसके इस्तेमाल से एक्टिव स्टेल्थ को अचीव किया जा सकता है, एक है प्लाज्मा स्टेल्थ और एक है एक्टिव रडार कैंसलेशन। प्लाज्मा स्टेल्थ में एक क्राफ्ट में आयोनाइज्ड गैसेस यानी कि प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं और जो RF सिग्नल्स जो रडार से निकलते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। इस टेक्निक में ऐसी रिसर्च की गई थी कि प्लाज्मा जाने की आयोनाइज्ड गैसेस का इस्तेमाल एक क्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए कैसे किया जा सकता है। इसमें ऐसी रिसर्च की गई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और आयोनाइज्ड गैसेस कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जिसके इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की गई थी। ऐसे दावे किए गए थे कि अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर भी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और उनके बहुत सारे स्पाई प्लेन्स भी ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस टेक्निक में बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एक क्राफ्ट के अराउंड एक प्लाज्मा गैसेस का एक क्लाउड तैयार कर दिया जाता है या एक लेयर तैयार कर दी जाती है जो कि जहाँ तो रडार वेव्स को डिफ्लेक्ट कर सकता है या उनको अब्जॉर्ब कर सकता है जिससे वो रडार से बिल्कुल डिसअपीयर हो सकते हैं। ऐसी जानकारी है कि रशिया की जिरकॉन मिसाइल इसी प्लाज्मा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा बताया गया है कि इस टेक्नोलॉजी से रडार क्रॉस सेक्शन को कम तो किया जा सकता है, ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस टेक्नोलॉजी में प्लाज्मा जनरेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल में एक क्राफ्ट के उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि एक क्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो कि एक क्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को ज़्यादा बढ़ाते हैं, और उसके बाद एयरक्राफ्ट के ऊपर प्लाज्मा जनरेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्लाज्मा क्लाउड को जनरेट करते हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप रडार से डिसअपीयर होना चाहें, तब एयरक्राफ्ट ऐसे सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देगा जिससे एक प्लाज्मा क्लाउड जनरेट होगा जो कि RF सिग्नल्स को अब्जॉर्ब कर लेगा और उसी वक्त एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को ज़ीरो कर देगा। इससे एयरक्राफ्ट एकदम से ही रडार से बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएगा जो कि एक क्राफ्ट को कॉम्बैट के दौरान बढ़त दिलाने के लिए काफ़ी है और वो अपना मिशन ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ कर सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत है और जो प्लाज्मा जनरेशन डिवाइसेस हैं उनको छोटा बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है। यही कारण है कि ऐसी जानकारी है कि ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल काफ़ी बड़े बॉम्बर एयरक्राफ्ट में ही अभी तक किया गया है और कुछ मिसाइल्स में ही किया गया है। इसके बाद आती है एक्टिव रडार कैंसलेशन टेक्नोलॉजी।
इस टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसा दावा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे राफेल एयरक्राफ्ट में किया गया है। उसका जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, ऐसा दावा किया गया है। एक्टिव कैंसिलेशन एक थियोरेटिकल मिलिट्री जैमिंग सिस्टम है जिसमें उसकी तरफ आने वाले रडार सिग्नल को सैंपल किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है और उसको बाद में रिटर्न किया जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आउट ऑफ फेस कर दिया जाता है जिससे वो सिग्नल कैंसिल हो जाता है। यानी कि जो रडार वेव्स एयरक्राफ्ट की तरफ आएंगी उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बाद ऐसी वेव्स को ट्रांसमिट किया जाता है जो कि उस वेव को मैच कर रही हों और वो रिफ्लेक्टेड वेव को कैंसिल कर देती हैं। इससे एक्टिव कैंसिलेशन अचीव कर ली जाती है जिससे कुछ समय तक एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को बहुत कम किया जा सकता है। इस टेक्निक के पीछे बेसिक आइडिया ये है कि ऐसी वेव्स को प्रोड्यूस किया जाए जो कि एक रडार टारगेट की स्कैटरिंग एको को काफ़ी रिड्यूस कर दें जिससे वो टारगेट रडार सिस्टम में बिल्कुल इनविजिबल हो जाएं। इस टेक्निक का इस्तेमाल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में किया जा सकता है और इसे रडार वेव सिग्नल के पैरामीटर्स के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तब तब एक्टिव कैंसिलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, जिसके कारण ऐसा बताया गया है कि इस टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह लोअर फ्रीक्वेंसी रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन एप्लीकेशंस में ही किया जा सकता है जहां पर पैसिव स्टेल्थ टेक्निक्स बहुत बुरा काम करती हैं। अभी अगर हम ये बात करें कि हमारे देश के नए फाइटर एयरक्राफ्ट में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसी अभी तक कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि हमारे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा जरूर बताया गया है कि हमारे DRDO ने प्लाज्मा स्टेल्थ के ऊपर बहुत लंबे समय से रिसर्च की है और वो शायद इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर हों, लेकिन ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि हमारे किसी एक क्राफ्ट में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक्टिव रडार कैंसिलेशन टेक्निक के ऊपर शायद रिसर्च की जा रही हो लेकिन उसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो अभी तक ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि हमारे एक क्राफ्ट में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल ज़रूर है कि इन फ्यूचर हमारे एक क्राफ्ट ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज़ होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।